पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करने सीओ कार्यालय पहुंचे क्षेत्र के लोग। कहा कम समय में आरोपियों को पहुंचाए जेल। पुलिस क्षेत्राधिकारी और पुलिस टीम का करा धन्यवाद, साथ ही आरोपियों को फांसी की सजा दिलवाने की करी मांग। पुलिस क्षेत्राधिकारी संदीप नेगी के आगे फूट फूट कर रो पड़ा मृतक का भाई। सीओ साहब ने गले लगाकर दिया आश्वासन। बता दें कि 13 फरवरी को संतराम हत्याकांड का खुलासा पुलिस प्रशासन अल्प समय में कर दिया और 3 आरोपियों को जेल पहुंचाया, जिसके बाद आज ग्रामीण और क्षेत्र के लोगों ने विकास नगर पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय पहुंचकर सीओ और उनकी टीम का सम्मान पत्र सौंपकर धन्यवाद किया। साथ ही आरोपियों को फांसी की सजा दिलवाने की बात कही। इस दौरान हुकम सिंह, राजेंद्र सिंह, प्रताप सिंह, सोनू, नरेंद्र, खुशीराम जोशी, रविंद्र चौहान, चतर सिंह, रघुवीर सिंह आदि उपस्थित रहे। हाँ, ये घटना हुई थी जिसमें कि पहले गुमशुदगी लिखी गई थी और अभियुक्त गण द्वारा उसको गुमशुदगी को एक एक्सीडेंटल रूप देने की कोशिश की गई थी, परंतु प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हो रहा था कि यह घटना जो है ये घटित की गई है। तो पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के पश्चात ये पाया कि यह घटना जो है इन्हीं के द्वारा और इनके सहअभियुक्तों द्वारा की गई है। उनको सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और माननीय न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया गया। आज क्षेत्र के लोग सम्मानित करने आए थे और उन्होंने ये कहा कि पुलिस के द्वारा 24 घंटे के अंतर्गत इस केस को सॉल्व किया, तो उनको चाहते हैं कि अभियुक्त गणों को अधिक से अधिक सजा मिले। तो हमारे द्वारा आश्वस्त किया गया है उनको कि हम जल्दी से जल्दी अभियुक्त गणों को ट्रायल में लाएंगे और इनको सख्त से सख्त सजा दिलाने की कोशिश करेंगे।